नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बॉलीवुड के फैंस हमें व्हाट्सएप करें हाय बिग फैन 8097426767 पर। वेटर। यस सर। टेबल नंबर 7 कौन सा है? टेबल नंबर 7 वो है, लेकिन साहब उस पर बैठना मत। ये ले तेरी पेप्सी। थैंक्स। आई एम सॉरी सर। तुम? हाँ मैं। तुम्हारा कोई भाई है? हाँ। जुड़वा? हाँ। बेचारा न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है तुम्हारे लिए। कहाँ है वो? ट्रैफिक हवलदार बन गया वो। अरे वो मैं ही था। पर तुम तो पुलिस में थे। पुलिस में था, वो नौकरी करके भी देख लिया, मगर मोहन का सोहन से कोई मिलन नहीं हुआ। फिर ये वेटर बन गया मैं। उसे एक चीज का बहुत शौक था, मुद्रा सुनने का, और यहाँ तो अंग्रेजी मुद्रा चलता है, इसलिए मैं नौकरी कर ली। मैं ये सोच रहा हूँ कभी ना कभी वो यहाँ आएगा और मेरी मुलाकात। नहीं, 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 आप प्लीज इस टेबल पर बैठिए प्लीज। विकी, आप किसी और टेबल पर बैठ जाइए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। पागल यहाँ भी आ गया? कहीं तूने तो इसे नहीं बताया था कि हम यहाँ आने वाले? तेरी कसम मैंने इस बार कुछ नहीं बताया। आप इस टेबल पर इसलिए नहीं बैठ सकते हो क्योंकि ये जोजो की टेबल है। कौन जोजो? अरे शहर के सबसे खतरनाक आदमी का बेटा, वो हमेशा हंसता रहता है। ऐसा कुछ? हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब उसकी हंसी रुक जाती है ना तो लोगों की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और जब उसकी टेबल पे कोई और बैठ जाता है ना तो उसकी हंसी एकदम से रुक जाती है, फिर जानते हो क्या होता है? क्या होता है? ये होता है ये। और इनका कसूर सिर्फ इतना ही था कि ये लोग इस टेबल पर बैठ गए थे, बस जोजो ने देखा और इनको मार फाड़ कर कटपीस बना दिया। आइडिया शीतल। हाँ। इसको पिटवाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अरे रहने दे, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ उल्टा हो जाए। और अगर मैंने उसे पिटवा दिया तो? लगी 100-100 की शर्त? लगी। यस। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जैसे अच्छे आदमी का फोटो इसमें लगे। मेहरबानी करके यहाँ से उठ जाओ, मेरे बाप वो आगे दौड़ पड़ करेगा। हाय विकी। मेरी बात सुनो। क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकला? मैं ज्वाइन यू प्लीज। हाँ हाँ बैठिए बैठिए। आप यहाँ कहाँ ज्वाइन हो रही है मैम साहब? अरे इस टेबल पर जो ज्वाइन होता है उसके सारे जॉइंट्स निकल जाते हैं। आप किसी और टेबल पर ज्वाइन हो जाइए प्लीज। एक, एक। ये क्या हो रहा है? जानते नहीं कस्टमर्स के साथ कैसे बात की जाती है? ये 7 नंबर टेबल है सर। तो क्या हुआ? ये जोजो की टेबल है। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जोजो के आने का टाइम हो गया है, उसका ऑर्डर लेकर आओ। कौन जोजो? जोजो देखिए मैं इस होटल का मैनेजर हूँ, आप यहाँ से प्लीज उठ जाइए, ये टेबल रिजर्व है। अगर ये टेबल रिजर्व थी तो आपको इस टेबल पे रिजर्व की प्लेट लगानी चाहिए थी। आप लोग नहीं जानते जोजो बहुत डेंजरस आदमी है। आप क्या समझते हैं? अगर वो डेंजरस है तो मिस्टर विकी भी डबल डेंजरस है। क्यों विकी? हाँ हाँ डबल क्या, ट्रिपल डेंजरस हूँ। अब तो यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेंगे, चाहे जोजो आए या भोभो। Come on, baby, dance, dance, baby. Please leave me. आइए आइए बैठिए। हा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 ह
अरे बैठिए बैठिए। एक्सक्यूज मी प्लीज। लगता है ना आपकी शक्ल पसंद नहीं आई। ऐसा फंसाया है कि यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाएगा। अरे चल चल। ढक्कन निकल गए। बहुत भूख लगी है। मर गई शीतल। हम जरा ये क्या गए, तुम अपनी औकात पे आ गए। माना कि ये हमें फंसाना चाहती थी, इसका ये मतलब नहीं कि इसे अपने बाप का माल समझकर ले जाओ। तुम्हारी वजह से जो इनका नुकसान हुआ है उसके पैसे दो। आज के बाद तू हंसेगा तो लोग तुझ पे हंसेंगे। ए भाई, होटल के नुकसान के पैसे तो मुझे मिल गए, लेकिन इसके बदले में जोजो का बाप तेरा बहुत नुकसान करेगा। यही तो मैं चाहता हूं।